Hello everyone, welcome to our channel which is Exam Pressure, myself Advocate Tanuja. So, आज की हम Know Your Law series में बात करेंगे fundamental rights की. But before jumping to the fundamental right, it is more important to understand कि हमारे पास जो fundamental rights होते हैं वो किसके against available हैं. क्या हम किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी organization के against कर सकते हैं. क्या कुछ specific कुछ डेफिनेशंस या फिर कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके बारे में बात करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर वीडियो. सो लेट्स मूव. सो वीडियो को इजी तरीके से समझने के लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसमें पहला आता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इसके बारे में बताता है कि किसके अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं. एंड इन द लेटर पार्ट आई डिस्कस केस जो इससे रिलेटेड हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली कुछ गाइडलाइंस दी हैं जिनको आप फॉलो करके ये जान सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी चीज़ें जिसके अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं. सो आइए अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि आपके पास किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है. सो दैट इज आर्टिकल 12 विच डिफाइन्स द स्टेट. लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है. द फर्स्ट विल बी द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. द सेकेंड इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. द थर्ड इज लोकल अथॉरिटी एंड फोर्थ इज अदर अथॉरिटी. अगर आर्टिकल 12 नहीं भी होता तो ये काफ़ी क्लियर है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है दैट विल बी अ स्टेट एंड उसके अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होगा. बट जो मेनली क्वेश्चन कई बार अराइज हुआ था वो था बेसिकली ऑन द लोकल अथॉरिटी. क्या होगी, कौन कौन सी उसमें डिपार्टमेंट्स या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जिसके अगेंस्ट आपके पास फंडामेंटल राइट होगा. एंड दूसरा था अदर अथॉरिटी. सो आइए कुछ केसेस को डिस्कस करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली कि एग्जैक्टली कोर्ट का इस पे क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का और किसको उसने बेसिकली स्टेट माना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ हैविंग द फंडामेंटल राइट जिसके अगेंस्ट आप अवेल कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल हियर कि जो स्टेट है ये बेसिकली पार्ट 3 एंड पार्ट 4 पे ही इसकी डेफिनेशन एप्लीकेबल है. रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे इसकी डेफिनेशन को अप्लाई नहीं किया जाएगा. सो अब अगला इसमें था अदर अथॉरिटी. सो इसके कोर्ट ने इसको बहुत सारे केसेस में एक्सप्लेन किया कि कौन सी ऐसी अदर अथॉरिटीज़ होंगी जो कि स्टेट के कैटेगरी में आएंगी. अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या जुडिशरी एक स्टेट है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट होगा या यूनिवर्सिटी स्टेट हो सकता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के थ्रू इंटरप्रेट किया हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द केसेस. सो इसमें जो सबसे पहला केस था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई. इस केस में बेसिकली क्या हुआ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास थी उसने मना कर दिया लड़कियों को एडमिशन देने के लिए. सो दिस केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड जो बेसिस था वो था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, नहीं किया जा सकता. अब कोर्ट के सामने इस केस में पहला जो मेन क्वेश्चन ये था कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट के अंतर्गत आएगा या नहीं. सो लेट्स सी कि कोर्ट ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया. सो कोर्ट ने कहा कि हम एजिस्टम जेंडरस का जो कंसेप्ट है वो इसमें लगाएंगे. मतलब एजिस्टम जेंडरस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप सेम काइंड की चीज़ों को एक साथ रखें. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार है, बाइक है या फिर बाइक है तो आप अगला भी इसकी कैटेगरी में व्हीकल को ही डालेंगे, कुछ और नहीं डालेंगे. सो अदर अथॉरिटी को इंटरप्रेट करने के लिए हमें उससे पहले जो तीन चीज़ें स्टेट में मेंशन है उसको देखेंगे एंड उसी बेसिस पे हम अदर अथॉरिटी को भी इंटरप्रेट करेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि स्टेट कहता है, स्टेट की डेफिनेशन में जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट लेजिस्लेचर है, लोकल अथॉरिटी है, तो तीनों ही सॉवरेन नेचर के हैं. सो इसी के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट होगा या नहीं होगा.
सो इस केस में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को स्टेट नहीं माना क्योंकि उसके पास कोई ऐसा गवर्नमेंट या फिर सॉवरिन नेचर का फंक्शन नहीं था। सो अब अगला केस था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। सो इस केस में कोर्ट ने कोशिश की नए गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करने की, बिकॉज ऑलरेडी जो पुराना केस था उसमें एजिस्टम जेनरस की जो बेसिस था वो खारिज हो गया था। सो कोर्ट ने इसमें कहा कि कोई भी ऐसी बॉडी क्रिएटेड बाई अंडर एनी लॉ और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन विल हैव लॉट ऑफ पावर एंड ऑटोमेटिकली अगर उसके पास बहुत सारी पावर्स होगी तो इट कैन अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सो ऐसे बॉडी को आपको स्टेट कंसिडर करना ही पड़ेगा सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। एंड कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई जो बॉडी क्रिएट होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट फंक्शंस या फिर सॉवरेन फंक्शंस कर रही हो, वो किसी भी तरीके की बॉडी हो सकती है। सो इसमें अगला केस था आरडी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। सो इसमें कोर्ट ने इस केस में बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ ऐसे टेंडर इनवाइट करती है जिसमें कि आरडी शेट्टी एक टेंडर फिल करता है, बट ही कुडंट गेट थ्रू ऑन सम रीज़न। बिकॉज ऑफ दैट उसने फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंचमेंट के लिए अगेंस्ट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस किया। लेट्स सी कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया है कि क्या अगर क्या इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सो अगर यहाँ पे बात है फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंचमेंट की, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है या नहीं। सो लेट्स सी कि व्हाट कोर्ट हैड इंटरप्रेटेड अबाउट दैट। सो कोर्ट हैव सेड दैट इन दिस रिगार्ड कि कोर्ट ने देखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का गठन एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के तहत हुआ था, जो कि एक बेसिकली इट वॉज क्रिएटेड बाई अ लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट हुआ था। दूसरा चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसका जो स्टाफ है या फिर उसका जो बेसिकली what you call shuffling of the staff or members था वो की control किया जा रहा था central government के द्वारा। even जो capital funding थी वो mainly की गई थी central government के द्वारा। so इसमें supreme court ने functionality test को ना लगाते हुए उसने ये बोला कि अगर कोई भी ऐसी body जिसमें कि government का degree of control है और जो कैपिटल या फिर फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, इन दैट केस दैट अथॉरिटी विल बी टेकन एज द स्टेट, इवन अगर वो प्राइवेट अथॉरिटी है उस केस में भी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा और पसंद आया होगा और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल राइट जो है आपके पास वो किसके अगेंस्ट अवेलेबल है। बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि आपको सिर्फ ये ना पता हो कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है, बल्कि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो आपको किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है। सो अगर आपके और कोई भी सजेशंस है मेरे वीडियो से रिलेटेड, यू कैन कॉमेंट इट डाउन in my video section, and yeah, if you're liking the video, so please do like, comment, subscribe to our channel and hit the bell icon so that whenever we are posting the videos you'll get the notification. So yeah, thank you so much. Thank you.